व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमने तो कोर्ट से यही मांगा है कि इसकी शूटिंग इमीडिएट रोक दी जाए, शूटिंग रोक दी जाए, पोस्ट प्रोडक्शन रोक दी जाए और रिलीज रोक दी जाए। और आपने जो है वो स्क्रिप्ट को आपने 2003 में आपने वो स्क्रिप्ट लिया, आपको 2015 में ये बात याद है और आपको वो स्क्रिप्ट में क्या लिखा था ये याद नहीं है? कभी ऐसा हो सकता है? मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा, कभी ऐसा हो सकता है कि आपने 13 साल पहले कोई चीज आप ऐसे आपकी आंखों के सामने गई हो और अगर उसने आपको अट्रैक्ट नहीं किया और आप उसको 13 साल के बाद भी अच्छे से याद रखें? इसीलिए मैंने उसको कि अभी तक आपने फिल्म अनाउंस भी नहीं किया, मैं आपको ये स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, वाले आपको मैंने स्क्रिप्ट दिया था तो इसलिए आपको मेल भेज रहा हूँ, उसका उनका कोई जवाब नहीं आया। और गोरेगा जी का कोई जवाब नहीं आया। जब नहीं आया तो फिर मैं मेरे प्ले इस बीच में मैंने इन्फिनिटी वेंचर करके जो कंपनी है उनके साथ मैंने ये प्ले शुरू किया, ये प्ले शुरू किया और हमारा ये कंडीशन रहा कि ये प्ले जो है जब प्ले अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम इसके आगे फिल्म बनाएंगे, इसका टाइम्स ऑफ इंडिया हो, बॉम्बे टाइम्स हो, मुंबई मिरर हो, आपका साउथ में द हिंदू हो, कलकत्ता में टेलीग्राफ हो, अपना चंडीगढ़ में चंडीगढ़ ट्रिब्यून हो, सब आप जाइए गूगल में आप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं हिंदी प्ले मोहनजोदड़ो डालिए, आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। ये मेरा 2010 से रेगुलर शोज हो रहे थे। इस बीच में जब मुझे 2014 में जब मुझे पता चला कि वो ऋतिक रोशन के साथ फिल्म बना रहा है, मैंने उनको मेल भेजा। 2014 में जब उन्होंने फिल्म शुरू की ये ऋतिक रोशन के साथ, तब फिर मैंने वापस भेजा उनके ऑफिशियल आईडी पे, जिसको कम से कम एक बार बोल सकते कि पर्सनल पे नहीं मिला तो ऑफिशियल तो मिलना चाहिए ना। मैंने वापस उनको भेजा जो कि उनके वेबसाइट पे था, है ना, उस पर मैंने भेजा कि वही मेल को, और मैंने बताया दिस इज रिसेंट ऑफ 2010 का वो मेल, उसके करके मैंने वापस वही मेल भेजा, कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मजबूरन मैंने उनको लॉयर का नोटिस भेजा, जो लॉयर का नोटिस भेजा तब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट ली थी। okay. 2003 में उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट ली थी, उनके उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को ऑन रिकॉर्ड, लेकिन उन्होंने कहा मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने जब वो पढ़ा ही नहीं तो स्क्रिप्ट लिया क्यों था? अच्छा, ये किससे के बाद आशुतोष गोवारिकर ने आपसे कांटेक्ट करने की कुछ कोशिश या कुछ, क्योंकि जब आपने उनको कहा दिस इज माय स्क्रिप्ट या उनसे ऑफिशियली कोई मीट या ऐसा कुछ भी नहीं? ना देखिए, वो नहीं बताऊं, वो पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं बाकी इसमें नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे के कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू उन्होंने कहा कि भैया केस वापस ले लो, कुछ होगा नहीं है क्योंकि तुम्हारा केस जीत नहीं पाओगे, हमारे पास बड़े लॉयर्स हैं। स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट थी जैसे आपने? नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, लेकिन आपको जो लोग फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं करीब से, यहाँ पे जो है हम लोग आधी जिंदगी तो 10-15 साल तो स्ट्रगल करने में बीत जाते हैं, ठीक है ना। मेरे पास मुझे लगता है कि शायद अगर ये फिल्म अगर ये मोहनजोदड़ो अगर वो अभी 5 साल पहले बना रहे होते तो मेरे पास पैसे भी नहीं होता केस लड़ने का, जो सही बता रहा हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं होते। आज मैं इतने साल तो मुझे तो 15 साल तो इस पोजिशन में लग गए इंडस्ट्री में रहते हैं कि 15 साल के बाद मैं सोच सकूँ कि किसी से लड़ूँ, ठीक है। दूसरी बात है कि इस प्ले का ये बहुत बड़ा प्ले है, अगर आप देखेंगे ये बहुत ग्रैंजर का प्ले है, मैं अकेला इतना पैसा नहीं डाल सकता, उसके उस मेकिंग में ही 12-15 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो मुझे कोई चाहिए था, तो मुझे राइट पार्टनर मिले इन्फिनिटी वेंचर्स, उन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, उनके साथ फिर मैंने आगे डील साइन किया प्ले के सक्सेस के बाद कि हम इस पर फिल्म बनाएंगे, तो वो हमारा काम फिल्म का भी शुरू हो गया, लेकिन जैसे इनका ये आया तो हमारे सारे लोग बैकआउट कर गए। तो अभी आगे क्या प्लान है, जैसे कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग हुई है हमने सुना, सो उनका क्या, क्या? देखिए कोर्ट में सबसे फर्स्ट हियरिंग में उनसे हमने कहा कि आप हमारी स्क्रिप्ट ले लीजिए, आप अपनी स्क्रिप्ट हमें दे दीजिए, हम पढ़ लेते हैं, अगर हमारी हम दोनों की अगर आपकी स्क्रिप्ट और मेरी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है तो मैं केस वापस ले लूंगा। उनके लॉयर ने कहा हम अपनी स्क्रिप्ट नहीं देंगे, हमने क्लियरली कहा है, हमारे लॉयर ने कोर्ट में जज के सामने कहा है कि हम अपनी स्क्रिप्ट दे रहे हैं आपको, आप ये स्क्रिप्ट लीजिए और आप अपनी स्क्रिप्ट दीजिए, अगर सिमिलैरिटीज होंगी तो ठीक है, नहीं अगर सिमिलैरिटीज होंगी तो मेरा क्लाइंट केस वापस ले लेगा, उन्होंने कहा हम स्क्रिप्ट नहीं देंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ताल में कुछ काला है, नहीं तो क्यों नहीं, अगर वो बस स्क्रिप्ट नहीं देंगे, अरे हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं हमें जानते हैं, कोई बिना बताया तो आप फिल्म नहीं बना सकते ना स्क्रिप्ट। मैं अपनी स्क्रिप्ट 50 लोगों को बताया मैंने, भाई ये है वो, उन्होंने फिल्म बनाई, उन्होंने ऋतिक रोशन के अलावा भी किसी एक्टर को अप्रोच किया होगा, उनको भी स्क्रिप्ट सुनाई होगी, उन्होंने अपना क्या था, अगर जो उनके वर्ल्ड डिज्नी है या यूटीवी, आज तक मुझे पता नहीं चला कि उनके एक्चुअल प्रोड्यूसर कौन है, वो कंफ्यूज कर रहे हैं अभी तक कोर्ट में, तो उनमें से उनको सुनाई होगी, ये आज तक मुझे पता नहीं चला कि उनके एक्चुअल प्रोड्यूसर कौन है, वो कंफ्यूज कर रहे हैं अभी तक कोर्ट में, तो उनमें से उनको सुनाई होगी, उनके बाकी एक्टर्स को सुनाई होगी, तो उनको मुझे वो स्क्रिप्ट देने में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो कोर्ट के सामने NDA साइन करके लेने के लिए तैयार हूँ।
कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन नहीं दे रहे।